देश प्रेम की पावन गाथा तुमको आज सुनाए, जिसके दृढ़ निश्चय को देख मुगल सल्तनत थर्राए। मृत्यु पर्यंत अद्भुत साहस शौर्य का दिया परिचय, नहीं दुश्मनों से था डरना नहीं जंगलों का था भय। मेवाड़ की प्रभु सत्ता की रक्षा था सर्वोपरि लक्ष्य, स्वातंत्र प्रेम संकल्प के आगे भूख प्यास था अलक्ष्य। अरावली की पर्वतमाला साहस शौर्य बताए, महाराणा प्रताप नाम से नव चेतना आ जाए। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। इनके पिता मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह थे। बचपन से ही वीरता, गौरव, सम्मान, स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता के संस्कार उन्हें पैतृक रूप में मिले थे। मुगल सम्राट अकबर ने महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। उस समय राणा उदय सिंह शासक थे। युद्ध में अकबर ने राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बसाई। सन 1572 में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य में बहुत संकटपूर्ण स्थिति थी। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी व्यूह रचना की थी कि उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। साथ ही अपने अनुज शक्ति सिंह के भी विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। पर साहस न छोड़ते हुए प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को ना को चने चबवाए। राणा के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई, पर विशाल सैन्य शक्ति के दबाव के कारण राणा को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इस घटना में सरदार झाला, राणा के प्रिय घोड़े चेतक और अनुज शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए उनका मुकुट स्वयं पहन लिया, जिससे शत्रु उन्हें राणा समझकर उन पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालकर अपने प्राण त्यागे तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने आचरण पर पश्चाताप किया। इस संघर्ष के बाद राणा ने समय और परिस्थितियों के अनुसार युद्ध नीति को बदला तथा शत्रु सेना का यातायात रोककर छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लिया। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप ने संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें अनेक कठिनाइयों व विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उनका परिवार पहाड़ी पहाड़ी भटकते हुए कई बार जंगली फलों तथा घास की रोटी से अपनी भूख शांत करता था। फिर भी राणा प्रताप दृढ़ रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूंगा, तब तक पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। उनकी प्रतिज्ञा से जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह संघर्ष में राणा के साथ जुड़ी रही। मेवाड़ के मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। 1572 से लेकर 1597 तक मृत्यु पर्यंत राणा ने अद्भुत साहस, शौर्य तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया। मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना राणा प्रताप के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था। युवराज अमर सिंह सुख सुविधा पूर्ण जीवन के अभ्यस्त थे। महाराणा को मरणासन्न अवस्था में सर्वाधिक चिंता इसी की थी कि अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर सकेगा।
वे युवराज और राजपूत सरदारों से मेवाड़ की रक्षा का वचन चाह रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों में उनकी मनोदशा को समझकर मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। आश्वासन पर ही उन्होंने प्राण त्यागे। राणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसे अपराजेय पुरुष तथा अदम्य साहस का प्रतीक है कि उनका नाम आते ही मन में स्वाभिमान, स्वातंत्र प्रेम तथा स्वदेश अनुराग के भाव जागृत हो जाते हैं। उनका संघर्ष साधारण जनमानस में उत्साह की भावना जागृत करता रहेगा।